हेलो गाइस, मैं हूँ मेघा और आज मैं बताऊँगी हर्षद चोपड़ा के बारे में, जिन्हें आप आजकल अभिमन्यु ये रिश्ता क्या कहलाते हैं है सीरियल में देख रहे हैं। ये एक इंडियन एक्टर हैं। इनका जन्म हुआ था 17 मई 1983 में। इनका फुल नेम है हर्षद प्रकाश चोपड़ा। इनका प्रोफेशन है एक्टिंग। इनका कॉलेज की बात की जाए तो PES मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे महाराष्ट्र इंडिया। एजुकेशन की बात करें तो डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग। डेब्यू किया था इन्होंने ममता सीरियल से 2006 में। इनकी एक फिल्म थी द एंड 2017 में आई थी। और इनकी जो म्यूज़िक वीडियो है जिसमें इन्होंने डेब्यू किया था वो था जुदा कर दिया 2020। इनकी फैमिली की बात की जाए तो इनके फादर का नाम है प्रकाश चोपड़ा, इनकी सिस्टर है हर्षा चोपड़ा, इनकी मदर का नाम है मोनिका चोपड़ा। इनकी हॉबीज़ की बात की जाए तो इन्हें जिमिंग बहुत पसंद है, पार्टी, हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है। फेवरेट थिंग्स हैं इनकी, फेवरेट फूड कढ़ी चावल पास्ता। फेवरेट एक्टर शाहरुख खान एंड सलमान खान। फेवरेट एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। फेवरेट कलर की बात की जाए तो ब्लू, रेड, वाइट कलर इन्हें बहुत पसंद है। फेवरेट डेस्टिनेशन है इनका न्यूयॉर्क। फेवरेट स्पोर्ट है बास्केटबॉल, क्रिकेट। इनका अफेयर जो था वो था श्रुति झा के साथ, जिसमें आप कुमकुम भाग्य में प्रज्ञा के रोल में आपने देखा होगा उन्हें। डेजर्ट पसंद है इन्हें गुलाब जामुन। इन्हें सिंगर पसंद है अरिजीत सिंह एंड नेहा कक्कर। इनकी अवार्ड्स की बात की जाए तो इन्हें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, तो इनके अवार्ड्स देख लेते हैं। इंडियन टेली अवार्ड्स तेरे लिए 2010 में, इंडियन टेलीविज़न एकेडमी अवार्ड 2018, एशियन व्यूवर्स टेलीविज़न अवार्ड, मेल एक्टर ऑफ द ईयर 2018 बेपनाह सीरियल, मेल एक्टर ऑफ द ईयर 2019। इनकी सैलरी की बात की जाए तो ये 70,000 पर एपिसोड लेते हैं। इनके शोज़ की बात की जाए तो इन्होंने काफ़ी शोज़ किए हुए हैं, ममता सीरियल, लेफ्ट राइट लेफ्ट, अंबर धारा, किस देश में है मेरा दिल, तेरे लिए, धर्म पत्नी, सौभाग्यवती भवा, हम सफर, बेपनाह, और अब ये सीरियल कर रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल। इनकी सॉन्ग्स की बात की जाए तो इन्होंने काफ़ी सॉन्ग्स भी किए हैं, हम सफ़र, जुदा कर दिया, आखिरी मुलाकात, गलत प्यार के, सलीका, ए मेरा दिल, ज़रूरत। और इनके इंस्टाग्राम की बात की जाए तो 3.1 मिलियन है। और अब ये जो छा रहे हैं वो अभिमन्यु के कैरेक्टर में छा रहे हैं। मैं बात करूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है हमें अक्षरा और अभिमन्यु की, जो कि जोड़ी अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा चर्चे में है। और इसमें जो वेडिंग सीजन्स फेस्टिवल्स में वो जो फेस्टिवल्स दिखाए जाते हैं वो बहुत है। और जब से ये सीरियल थर्ड जनरेशन में आया ये टॉप थ्री में ही रहता है, टॉप थ्री या टॉप टू में आता है। और जनता इनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है क्योंकि इतनी मैच्योरिटी इस जनरेशन में, इनकी बॉडी बैलेंस रखना। थैंक यू। अगर आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।